सहारनपुर पुलिस के लिए कल का दिन किसी दंगल से कम नहीं था। सहारनपुर के थाना नगुड़ क्षेत्र के गांव घाटमपुर में लोगों ने पुलिस की जमकर पिटाई की। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पूरा मामला बताने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर घाटमपुर है क्या। आसान भाषा में बताएं तो थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव घाटमपुर, नवाजपुर और टिढोली उड़ता पंजाब से कम नहीं है। इन तीनों ही गांवों में नशा तस्करों यानी ड्रग सप्लायर्स की भरमार है। यहां सबसे महंगा नशा व्हाइट पाउडर आसानी से मिल जाता है। गांव के लोगों की इजाजत के बिना पुलिस वाले यहां कदम भी नहीं रख सकते। ऐसा ही कल 12 अगस्त को देखने को मिला, जब एक एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे युवक को पकड़ने पुलिस गांव पहुंची और उसको पकड़ भी लिया, लेकिन युवक को छुड़ाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया और पुलिस पर हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक महिलाओं ने पुलिस पर लाल मिर्च पाउडर फेंका और गाली गलौज की, वर्दी पर हाथ डाला और गाड़ी भी तोड़ दी। ये पुलिस अंबेटा चौकी से गई थी। हालत बिगड़ते देख नगुड़ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उनसे भी मामला कंट्रोल नहीं हुआ तो गंगो थाने से पुलिस बुलानी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद कई पुलिस की गाड़ियां गांव में पहुंची खुद। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट में फरार युवक के घर पुलिस ने तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस जिस वांछित को पकड़ने गई थी उसे तो पकड़ नहीं पाई, लेकिन 6 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 30 नामजद है और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खास बात यह है कि स्थानीय पुलिस के लिए ये 3 गांव वर्षों से चुनौती बने हुए हैं। पुलिस के बड़े आला अधिकारी आए और चले भी गए, लेकिन कोई भी यहां चल रहे ड्रग के धंधे को अभी तक रोक नहीं पाया। बड़ा सवाल है कि जिस गांव के लोग कभी पुलिस की परछाई से डरकर घरों में घुस जाते थे, आज वही गांव में पहुंची पुलिस को पीटने से भी नहीं घबराते हैं। आम चर्चाएं हैं इसके पीछे आला अधिकारियों की अनदेखी तो है ही, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं का वर्चस्व और पूर्व में रहे पुलिस कर्मियों की अपराधियों के साथ दोस्ताना और लेन देन है जिन्होंने अपराधियों को बेखौफ बना दिया है। अगर अब भी अधिकारी शांत रहे या मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो भविष्य में यहाँ कोई बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।